दाऊदी बोरा समाज ने शुक्रवार को ईद उल फितर खुशी और उत्साह के साथ मनाया। रमजान माह के पवित्र महीने में उपवास, प्रार्थना और अत्याधुनिक परंपरा का निर्वहन करते हुए जो इबादत की उसकी खुशी में ईद का पर्व मनाया। शहर की सैफी नगर मस्जिद में समाज के धर्मगुरु हिज होलीनेस डॉक्टर सेदना मुफल सैफुद्दीन साहब के भतीजे जनाब अल अकमर बाई साहब वजीउद्दीन ने सुबह ईद की नमाज अदा कराई और खुशी की मजलिस की सदारत फरमाई। आज ईद उल फितर का त्यौहार है। पहले तो मैं सैयदना साहब की ओर से और इंदौर पधारे सैयदना साहब के भतीजे जनाब अल अकमर भाई साहब की ओर से, हमारे इंदौर के आमिर साहब की ओर से, सबकी ओर से पहले तो सभी इंदौर शहरवासियों को, सभी समाज के लोगों को ईद की, ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस ईद का त्यौहार की खुशी बहुत अलग होती है, क्योंकि हर आदमी 30 दिन पांचों वक्त की नमाज मस्जिद में अदा करता है, 30 रोज़े रखता है। अपने आप को आदमी कंफर्म मानता है कि भाई हमारे सब गुनाह माफ़ हो गए और हम बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए, तो इसकी खुशी बहुत ज़्यादा रहती है। ये त्यौहार, ईद का त्यौहार, भाईचारे का त्यौहार, आपसी सौहार्द का त्यौहार है। इस मुबारक अवसर पर हमारे जनाब अल अकमर भाई साहब ने बयान में भी यही फरमाया मस्जिद के अंदर कि आपस में मिलजुल के रहें, भाईचारा कायम रहे, सब लोग। ये त्यौहार खास मोहब्बत का त्यौहार है, परिवार आपस में ज़्यादा मिलजुल के रहे, यार दोस्त आपस में मिलजुल के रहे और एक दूसरे के सुख दुख में काम आए, ये त्यौहार ये सिखाता है। एक साथ नमाज मस्जिद में पढ़ते तो कोई ना बड़ा ना कोई छोटा, सब एक सफ में खड़े होकर नमाज अदा करते हैं। ये पैगाम होता है कि सब साथ में एक जैसे हैं। इस मुबारक अवसर पर मैं सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपसे भाईचारा अमन कायम रहे और सब लोग मिलजुल कर रहे। ये पैगाम इस ईद उल फितर पर मैं देता हूँ। मज़हर हुसैन सेठजी वाला, मीडिया प्रभारी, इंदौर, दाऊदी बोरा समाज, इंदौर। सतीश शर्मा की रिपोर्ट।